तो एसिड बेस एंड साल्ट ठीक पहले कह के बारे में अम्ल अम्ल मतलब एसिड ठीक छोटी क्लास में क्या पढ़ी हो छोटी क्लास में परिभाषा पढ़ी हो जो स्वाद में खट्टे होते क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते वे पदार्थ वे पदार्थ जो स्वाद में जो स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते क्या कहलाते हैं हम हैं, लेकिन ये कब की छोटी क्लास वाली परिभाषा है ना ये तो तीन चार पांच छः इसमें मिलती है लेकिन आप यहाँ पे ये वाली परिभाषा पढ़नी नहीं ये तो छोटी सी बेसिक सी परिभाषा अच्छा अब क्या मिलती पढ़ने के लिए तुम्हारे सिलेबस में वे पदार्थ वे पदार्थ जो किस विलियन में जली बिलियन में जली बिलियन में क्या देते हैं एच प्लस आयन एच प्लस आयन या हाइड्रोजन आयन एच प्लस आयन या फिर हाइड्रोजन आयन भी कह सकते हैं ना एच प्लस आयन भी लिखना जरूरी है आयन देते है, क्या करते हैं देते है, क्या कहलाते हैं अम्ल कहलाते हैं कहलाते हैं ठीक बात इम्पोर्टेंट आता रहता है ना इनके इनके गुड़ आते रहते ज्यादातर तो अब जैसे क्यों कौन कौन अब अच्छा इससे एक बात पता चली वे पदार्थ जो जली बिलियन में एच प्लस आयन देते हैं क्या कहलाते अम्ल कहलाते अब बताओ हाइड्रोजन होगा तभी तो एच प्लस देगा है ना हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या एच प्लस देगा जो हमारी चीज पास होगी वही तो देंगे ना तुमको जो हमारे पास होगा ही नहीं तो कहा नहीं दे पाएंगे ना तो अम्ल जो होंगे उनके पास क्या होगा हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन होगा जैसे हो कि उदाहरण क्या बनते हैं इसके एच सी एल ठीक थ्री ये, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये कौन सा अम्ल नाइट्रिक अम्ल और ये सांद ये सल्फ्यूरिक अम्ल ये कौन सा अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल एस टू फोर और भी है और जैसे कौन सा आप बता, बताओ ये कोई सी एस थ्री सी डबल ओ एच ये कौन सा अम्ल है एसटी का अम्ल है और कोई अम्ल है और कोई याद है <coughs> अच्छा अब अम्लों में भी दो तरह के हो जाते हैं एक कमल, हाँ, वो भी है आग कमल अम्ल का सूत्र क्या होता है सी डबल ओ एच और सी डबल ओ एच ठीक ये भी आगे ले कमल ठीक और कोई है का हम तो हैं बहुत सारे ठीक और कोई है कि याद हो तो बताओ टार्टिक कमले भी है टार्टिक कमले का फार्मूला लंबा होता है अच्छा टार्टिक कमले का फार्मूला लंबा होता है ठीक वो यादों न रहे उसमें कई सारे, उसमें सी डबल ओ एच इधर होता है इधर हो सी डबल ओ एच होता है ठीक अहिमत चेर फार्मूला लंबा फार्मूला वो तो तुम्हारे सिलेबस में है भी नहीं ठीक छोड़ अच्छा अम्ल भी कितने तरह के दो तरह के एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल कौन से होंगे जो जलीय विलियन में जल में घोलने पर पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रबल अम्ल जो पूरी तरह से आयनित नहीं होंगे वो दुर्बल अम्ल ठीक दो तरह के अब ये इसमें देख के नहीं बता सकते हो तुम कौन सा प्रबल होगा कौन सा दुर्बल देख ये तो करके देखना पड़ेगा ना अब कौन सा पूरी तरह से घुल रहा है कौन सा पूरी तरह से नहीं घुल रहा है जो पूरी तरह से घुलेगा यानी कि जो पूरी तरह से आयनित होगा वो प्रबल अम्ल जो पूरी तरह से आयनित नहीं होगा वो दुर्बल अम्ल तो ऐसा करके देखा जाता है तो पता चलता है तो प्रबल अम्ल के उदाहरण क्या हो जाते हैं ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव अब उसमें से तो दे देगा तीन चार ऑप्शन एक होगा दुर्बल अम्ल का और पूछ लेगा कौन सा दुर्बल अम्लो तीन ऑप्शन होंगे प्रबल अम्ल के पूछेगा क्या बताओ दुर्बल अम्ल कौन सा है अब तुमको पहचानने लगे तो तो इनको रट लेना प्रबल अम्ल जैसे कि ये क्या है प्रबल अम्ल है एच एन क्या है प्रबल अम्ल है और एच टू यस क्या है प्रबल अम्ल है लेकिन दुर्बल अम्ल की बात करें दुर्बल का अम्ल की दुर्बल ये सब लिखा है काफी में दुर्बल अम्ल कौन सा है इसमें सी एस थ्री सी डबल ओ एच ये दुर्बल अम्ल है अच्छा ये क्या है ये दुर्बल अम्ल है ठीक अब ये रट लेना अच्छा लिखा है काफी में उदाहरण के और दुर्बल को और कौन लिखा है उदाहरण दुर्बल कितने नहीं है उदाहरण ये, ये बस अच्छा ठीक भैया <coughs> और यहाँ आगे कमल भी इसका उदाहरण हो जाएगा C डबल O H और सी डबल ओ नीचे आ रहा नीचे दिख रहा ठीक ठीक इतना क्लियर तो ये छोटी क्लास वाली परिभाषा है जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो कभी क्या कहलाते हैं अम्ल तुम चख के देख सकते हो पर ऐसा नहीं है छोटे कुछ पदार्थ खट्टे नहीं होते तो वो भी अम्ल होते हैं ठीक तो इसलिए ये परिभाषा भूल जाओ ये छोटी बच्चों वाली अच्छा ये परिभाषा याद रखो वे पदार्थ जो जलेबिर में एच प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते जैसे उदाहरण ये सब इसमें से प्रबल अम्ल लेते नहीं दुर्बल अम्ल ये दोनों ये भी उदाहरण आपको आने चाहिए ठीक मिटा है ये सब और जो काम कहो लिख लो फटाक लिखते जाया करो अच्छा साथ साथ अब इसी इसी टाइम थोड़ा छाड़ की परिभाषा देख लेते हैं फिर इनके गुड़ देखते हैं ना फटाक पहले छार की परिभाषा देख लेते हैं फिर गुड़ छार की परिभाषा देखने के पहले छारक की परिभाषा देखें किसकी छारक की परिभाषा ये भी बेसे होते चार में ज़्यादा नहीं ना देखो छारक क्या होते हैं वे पदार्थ जो जली बिलियन में ओएच माइनस ओ एच माइनस आयन देते हैं ओ एच पे कहाँ आएगा माइनस ओ की संयोजकता कितनी होती है? दो होती है ओ की संरचना ऐसे बनेगी एक एच यहाँ जुड़ जाएगा एक संयोजकता फ्री रहेगी इसलिए इस पर कहाँ आ जाता है माइनस ओ पे क्या होता है एक माइनस बताए थे ना ओ एच की संयोजकता एक होते तो ये स्वाद में कैसे होते हैं तीखे कसैले तीखे कसैले खट्टे धुए हुए अम्ल कड़वे कर, हाँ कड़वे भी कह सकते हैं इनको कड़वे भी कह सकते हैं और जो लवण होंगे वो नमकीन होते हैं जो लवण होते हैं हो, क्या होते हैं नमकीन यानी कि हम लखट्टे होंगे छार का होंगे तीखे कड़वे जो भी कहो अच्छा और ये कहा होंगे लवण नमकीन टाइप के होंगे ठीक स्वाद में तो स्वाद वाली परिभाषा नहीं पढ़नी स्वाद वाली परिभाषा नहीं पढ़नी कौन सी परिभाषा पढ़नी वे पदार्थ कौन से वे पदार्थ जो जो जली बिलियन में जली बिलियन कहना जरूरी है अब तुम ऐसे कह दो तो ऐसे परिभाषा गलत मानी जाएगा अच्छा जली बिलियन कहना जरूरी है जल, जल में डालो के मतलब तभी ऐसा होगा ऐसे नहीं होगा ठीक जली बिलियन में ओ एच माइनस ओ एच माइनस आयन देते आयन देते हैं क्या कहलाते हैं क्षारक कहलाते हैं क्षारक कहलाते अच्छा ओ एच माइनस देना अलग बात है जल में घुलना अलग बात है एक बात याद रखना इसको उदाहरण अच्छा क्या क्या हो जाते हैं इसके का का हो जाते हैं और ये भी हो जाएगा मतलब इनमें ओ एच होगा ओ एच कब देगा जब ओ एच होगा तभी तो देगा ओ एच ठीक तो इनमें ओएच होगा और बताओ एच4ओएच ये ये हो गए एनएच और लिखा है। नहीं। और नहीं लिखा ये भी लिख सकते हो बीए ओएच का होल टॉयज ठीक ये भी लिख सकते हो ठीक और कोई लिखा है? और नहीं लिखे कैल्शियम वाला भी लिख सकते हो ऐसा नहीं इसको कैल्शियम का ओएच का होल टॉयज को भी लिख सकते हो ठीक ये ओएच का होल टॉयज और कहा भी तो तू वो चाहे तो मतलब ठीक यहाँ पे ठीक अब इसमें अब इसमें से एक परिभाषा आती की कौन सी छार की छारक अलग, 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 अलग है छार अलग है ठीक अब वे क्षारक वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते, होते हैं छाड़ कहलाते है क्या बोला मैंने वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते मतलब जो जल में घुल जाते हैं सबके सब छारक सब जल में नहीं घुलते एक बार कर लो सबके सब क्षारक सब जल में नहीं घुलते तो जो घुल जाएंगे वो क्या कहलाएंगे कहलाएंगे जो नहीं घुलेंगे वो सब जो चाहे घुले चाहे ना घुले वो क्षारक होगा लेकिन जो घुल जाएगा वो क्षार होगा समझ समझ बात इतने लोग हो सबको पानी में डाले तो सब पानी में नहीं तैर पाते सब पानी में नहीं तैर पाते लेकिन सबके सब इंसान नहीं सबके सब बोलो ओयच देते सबके सब ओयच देते मतलब ओयच देते तो क्षारक है लेकिन सबके सब पानी में तैर नहीं पाते तो हम कह देंगे जो तैर लेंगे वो क्या कहलाएंगे छार कहलाएंगे लेकिन ओयच दे रहे हो तो तो क्षारक तो हो गई ही ना ओयच जो देते वो क्या कहलाते क्षारक लेकिन सबके सब पानी में नहीं घुलते लेकिन जो घुल जाते वो कहा हो जाते छाड़ हो जाते तो छाड़ कहीं और से नहीं निकले छार कहां से निकले छारक से निकले हैं। तो जितने भी छाड़ होंगे वो कहा होंगे छारक होंगे तो सभी छाछ चार, होते हैं लेकिन सभी छारक छ नहीं होते यही तो लिखा है ना तो ये क्या होगा वे पदार्थ वे क्षारक वे पदार्थ नहीं कहोगे यहां पे क्या कहोगे वे क्षारक वे क्षारक जो जल में क्या होते हैं घुलन शील होते हैं जो जल में घुलंदनशील होते जो जल में घुलनशील होते, होते क्या कहलाते हैं छाड़ कहलाते जो क्या कहलाते हैं छार कहलाते हैं कहलाते ये ला है हम कहलाते हैं इसके एग्जाम्पल ये सब ठीक यही सब ठीक इसमें भी प्रबल छाड़ और दुर्बल छाड़ बन जाते जो जल में पूरी तरह से आयनित होंगे वे प्रबल वाले जो पूरी तरह से आ तय हो गए दुर्बल वाले ठीक इसमें प्रबल और दुर्बल करके लिखा देते उदाहरण अच्छा प्रबल प्रबल और दुर्बल ठीक प्रबल चार, चार। के उदाहरण इसमें कौन से है और कौन है एम जी ओ एच भी है अच्छा एम जी ओयच का होल्ड टॉयज भी इसमें प्रबल है कि ओयच भी इसमें प्रबल है ठीक ये इसमें प्रबल है ओएनएस फोर ओयच ये दुर्बल में आता है ओएनएस फोर ओयच और कोई दुर्बल में ओएनएस फोर ओयच दुर्बल में आता है ठीक ठीक क्या बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं अच्छा ठीक यहां से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया बोलते हैं किसको -E मिल्क है। कभी प्रबल छत से अधिक वाले क्या होते हैं जिनका मान सात से अधिक होता है सभी चार होते हैं जिनका पीएच मान सात से कम होता वो क्या होते हैं अम्ल कहलाते हैं ठीक जिनका मान पीएच पियजमान सात होता है वो क्या कहलाते हैं लवण या फिर लवण नहीं ये क्या कहे उदासीन विलियन ना तो अम्लीय होगा ना तो छारी होगा ठीक तो जितने ज्यादा सात से ज्यादा होगा उतने ज्यादा छारी होगा जितने सात से कम होगा उतने ज्यादा क्या होगा अम्ल होगा एक एक का पीएच मान तीन है तो कौन ज्यादा अमली है एक वाला एक वाला क्या है ज्यादा अमली है ठीक एक का पीएच मान आठ है एक का पीएच मान ग्यारह है कौन से ज्यादा छारी है ग्यारह वाला छारी समझ में बात तो जितने ज्यादा पीएच मान होगा उतने ज्यादा छारी होगा जितने कम पीएच मान होगा उतने ज्यादा अमली होगा सीधी सी बात है ठीक अगला के पीएच मान मिलेगा आगे ना अभी पूरा पढ़ाएंगे फिर ये वाला हो गया सब मिटाएं फिर से बीमार हो गया का भैया साइकिल नहीं रहे ओ साइकिल नहीं रहे अच्छा चलो ठीक बता देते हम आपके घर से तो दो चलो ठीक बढ़िया बात तो अम्लों के सामान्य अम अच्छा, तो इनके भौतिक गुण अलग से देख ले रासायनिक गुण अलग से देख ले नहीं तो कहो इकट्ठे तो बता दे सब को दिक्कत न कोई दिक्कत नहीं तो पहला यही है पहला का है स्वाद में युवाद में खट्टे होते, होते तो खट्टे लिख दे बस बहुत है पूरा बात लिखने की जरूरत खट्टे होते है दूसरा लिटमस पेपर वाली बात लिटमस पेपर कितने रंग के एक नीला एक लाल।, लाल एक नीला एक लाल तो अवन मतलब खतरा अवन मतलब की घंटी खतरे की घंटी खतरे का सिग्नल लाल खतरे का सिग्नल लाल तो ये क्या करेगा कौन सा रंग देगा लाल रंग देगा तो लाल से लाल तो आएगा नहीं किससे लाल आएगा नीले से लाल आएगा तो नीले लिटमस पेपर को काहे में बदलता है लाल में बदलता है तो यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है ठीक बात ठीक तीसरी तीसरी कौन सी बात अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं कौन सी गैस, गैस मुक्त करते हैं हाइड्रोजन गैस, गैस, है, गैस, गैस।, गैस।, गैस। कहा से इनके पास हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस वाला होता है और जो उसके साथ जुड़े होते हैं वो एक माइनस वाला होता है तो कोई धातु होगी तो वो भी प्लस वाली है धातु होगी तो कौन सी है प्लस वाली है धातु क्या होती है धनायन बनाती है ना धातु क्या होती है धनायन देती है बताए ना तो उसमें से अम्ल से माइनस वाले को पकड़ लेगी हाइड्रोजन प्लस वाला निकल जाएगा हाइड्रोजन जब निकलेगा तो किस रूप में निकलेगा एच टू के रूप में निकलेगा मतलब हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगा ठीक बात तो देखो यहाँ पे सब बता रहे हैं अच्छा यहीं पे अलग से नहीं बताना यहीं पे सब के सब किससे क्रिया करके धातुओं से क्रिया करके एच टू एच टू मतलब हाइड्रोजन गैस गैस देते ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस मुक्त करते हैं हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस ऑक्सीजन गैस इस तरह ऑप्शन दे देगा तुमसे पूछ लेगा या फिर इस तरह भी दो नंबर पूछ लिया जाता है अम्लों से अम्लों के धातुओं से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए अम्लों से धातुओं के क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो अम्ल कोई अम्ल ले लो कोई धातु जैसे हम मैग्नीशियम क्या है धातु है सोडियम क्या है धातु है

तो बनाता है अब मैग्नीशियम के बाहरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ मैग्नीशियम बारह दो आठ दो बाहरी इलेक्ट्रॉन फटाफट दिवस पर चलना चाहिए नहीं आ रहा हो कोई अम्ल ले लो या सीएल ले, 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 ले लो यहा कोई अम्ल ले लो एस टू यस ओ फोर ले लिए जैसे अल्मोनियम ले लो आपकी आपकी बार अम्ल या चनो थ्री ले लिए अब बताओ प्लस वाला किसको पकड़ता है माइनस वाले को प्लस वाला किसको पकड़ता है माइनस वाले को तो बताओ ये सभी प्लस वाले होते माइनस वाले होते ये सभी क्या होते प्लस वाले होते बताओ इनमें माइनस वाला कौन होता पीछे वाला होता है हाइड्रोजन प्लस वाला आगे कौन होता है प्लस वाला पीछे कौन होता है माइनस वाला कोई भी अण लिखा होगा तो आगे वाला जो होगा प्लस वाला पीछे वाला जो होगा माइनस वाला ठीक तो यहाँ पे माइनस वाला सीएल है यहाँ पे प्लस वाला ये है तो एम जी किसको पकड़ेगा सीएल को पकड़ेगा हाइड्रोजन पकड़ेगा सीएल को पकड़ेगा ना तो एम जी सीएल के साथ क्या बनाएगा एम जी सीएल अब बताओ इस पर क्या होता है दो इसकी संयोजकता कितनी होती नहीं एम जी की दो और सीएल की संयोजकता कितनी होती एक, रता है एक रटा है रटा कि नहीं रटा अगर रटा नहीं तो रटो सीएल की संयोजकता एक तो यहाँ पे एक क्योंकि बगल वाले की संयोजकता बगल वाले पर इसकी संयोजकता बगल वाले पर सीएल की संयोजकता इसके बगल वाले पर तो सीएल की संयोजकता सीएल के साथ सीएल की संयोजकता दो तो यहाँ पे दो में की संयोजकता दो तो यहाँ सी पे दो CL की संयोजकता एक तो यहाँ एम पर एक एक लिखो चाहे ना लिखो तो एक ही, ही है ना तो एक लिखने से क्या मतलब है दो होता तो दो लिखते तब मतलब बनता कि हाँ यमजी दो है तो एक ही है ना एक ही है कि दो है एक ही है ना यहाँ पे एक लिखोगे तो भी का मतलब बदल जाएगा जब तब भी तो एम जी एक ही है ना अब बताओ ये किस रूप में निकलता है केवल यु के रूप में नहीं निकलता है गैस जितने भी होती किस रूप में टू के रूप में टू के रूप में जैसे क्लोरीन गैस है तो किस रूप में सीएल टू के रूप में हाइड्रोजन गैस है किस रूप में एच टू के रूप में नाइट्रोजन गैस है किस रूप में एन टू के रूप में ऑक्सीजन गैस है किस रूप में ओ टू के रूप में गैस जो होती है द्वि परिमाणु के रूप में निकलती है अच्छा तो किस रूप में एच टू के रूप में अब इसको का बचा है बैलेंस करना किसको का बचा है बैलेंस करना बैलेंस नहीं है जब बैलेंस कर लेते तो, तो कौन तो सा समीकरण संतुलित समीकरण जब बैलेंस नहीं करे होते तो कहा कौन सा समीकरण ढांचा समीकरण पढ़ा है ना अभी ये कौन सा समीकरण है ढांचा समीकरण अभी अब बैलेंस कर लेंगे तो कौन सा समीकरण संतुलित समीकरण अब बैलेंस करने के लिए पहले कौन सा का धातु देखते हैं किसको गिनते हैं धातु धातु यहाँ पे कितनी है एक वहाँ पे कितनी है एक यम जी यहाँ पे अकेला वहाँ पे अकेला अब बताओ यम जी काम खत्म अब क्लोरीन देखेंगे क्लोरीन वहाँ पे कितनी है दो यहाँ पे कितनी है एक तो दो कहाँ लगाएंगे क्या यहाँ लगाए गए यहाँ नहीं लगाते क्या यहाँ का छोड़ देते हैं नहीं लिखते हैं के के सबसे सबसे आगे ये पूरा तो पे लगाएंगे अब देखो यहाँ पे लगाने से जो दूसरा, दूसरा तो उस, जो दूसरा 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 तत्व होगा होगा उस उसकी भी संख्या घट बढ़ जाएगी तो हाइड्रोजन भी क्या हो गए दो हो गए यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो गए दो हो गए तो हाइड्रोजन भी उधर देखना पड़ेगा तो हाइड्रोजन देखो उधर कितने दो तो हाइड्रोजन उधर उधर भी दो है इधर भी दो हो गए तो अप्रिया क्या हो गई संतुलित हो गई अब ये समीकरण को क्या कहेंगे संतुलित समीकरण बताओ सोडियम हाइड्रोजन किस, सो सो किस रूप में निकलेगा एच टू के रूप में एच टू के रूप में, में ना अब बताओ ये की संयोजकता कितनी होती है दो होती है यसो की संयोजकता कितनी होती है दो होती बताओ सोडियम की संयोजकता कितनी होती है एक होती परमाणु मतलब कामा कामा एक दे, दे, बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे दो इलेक्ट्रॉन हो चाहे तीन इलेक्ट्रॉन हो उसकी संयोजकता उतनी होती है एक संयोजकता एक दो इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता दो तीन इलेक्ट्रॉन संयोजकता तीन चार इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता चार पांच इलेक्ट्रॉन बाहरी संयोजकता तीन छह इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में संयोजकता दो बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन संयोजकता एक सात इलेक्ट्रॉन तो तो भी संयोजकता एक आठ इलेक्ट्रॉन संयोजकता अब बताओ इसकी संयोजकता एक तो इसकी इस इस, इस इसकी संयोजकता कहां लगेगी यशो फोर यशो फोर बताओ एक ही है कि दो है एक ही तो है उस पर लगाने की जरूरत है क्या बताओ सोडियम कितना है अकेला है लेकिन यशो फोर की संयोजकता कितनी है दो तो सोडियम पर दो लगाने की जरूरत है कि नहीं है तो यहाँ पे दो आएगा समझ में आई बात

एलुमिनियम किसको पकड़ेगा NO3 तो या को पकड़ेगा। के किसको पकड़ेगा NO3 NO3 को पकड़ेगा अब बताओ एलुमिनियम की संयोजकता कितनी होती है एलुमिनियम की संयोजकता कितनी होती है इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन तैयार तो परमाणु क्रमांक होता है बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता तीन अभी बताएं बाहरी कोश में तीन इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता तीन तो बाहरी कोश में तीन इलेक्ट्रॉन तो इस पर इसकी संयोजकता इसके साथ इसकी संयोजकता इसके साथ

ढांचा समीकरण ढांचा समीकरण को संतुलित करने के लिए आवश्यक संख्याओं से गूड़ा करते हैं अब एल्युमिनियम पहले चेक करो एल्युमिनियम अकेला, अकेला। कर तो अल्मोनियम अकेला एल्युमिनियम को संख्या गूड़ा करने की जरूरत है नहीं है अब बताओ ये थ्री कितने वहां पे ट्रिपल है यहाँ पे सिंगल है वहां पे तीन है यहाँ पे एक है तो इसको तीन बनाने के लिए कहाँ लगाएंगे तेल सबसे आगे लगाएंगे तेल आगे तीन लगा दिए अभी 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 हाइड्रोजन देखेंगे अब क्या देखेंगे हाइड्रोजन क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन के आगे भी संख्या आ गई है हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया हाइड्रोजन यहां पे तीन हो गए वहां पे कितने हो गए दो ही है हाइड्रोजन अभी क्या है गड़बड़ है हाइड्रोजन क्या है गड़बड़ है तो हाइड्रोजन करने के लिए क्या करेंगे अब यहां पे तीन आ गए वहां पर तीन हम नहीं बना सकते दो को तीन में नहीं बदला जा सकता दो को तीन में दो में कितने गुड़ा कर दो तीन बन जाए नहीं बन सकता है ना तो क्या करोगे यानी कि यह संख्या यहां पर नहीं आनी चाहिए क्योंकि या तो यहां पे चार बना ले या तो वहां पे अब इसको क्या करेंगे हम अब यानी कि ये संख्या गड़बड़ है कुछ तो यहाँ पे दो यहाँ पे मान लो दो कर देंगे तो यनो थ्री यहाँ पे दो ही आएंगे लेकिन यहाँ पे कितने है? तीन है तो भी गड़बड़ है गड़बड़ है ना तो हम क्या करेंगे ये भी गड़बड़ है दो भी नहीं आएगा तीन भी नहीं आए क्योंकि तीन भी आने पर गड़बड़ हो रहा है दो भी आने पर गड़बड़ हो रहा है तो कितना लेंगे चार लेके देखते कितना लेके देखते चार लेके देखते यहाँ पे मान लो चार कर देंगे तो ये थ्री कितने होंगे चार तो यहाँ पे क्या चार बनाना संभव है यहाँ पे चार बनाना संभव नहीं यहाँ पे चार बनाना संभव नहीं तो क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ पे तीन नहीं बन सकता चार नहीं बन सकता तो पांच बन सकता है लेकिन यहाँ पांच भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पांच बनाएंगे तो यहाँ पे पांच बनाना संभव नहीं है यहाँ पे अनुथी कितने हैं पांच तीन है तो इसको पांच बनाना संभव नहीं लेकिन छह बना सकते हैं छह बना सकते हैं तो यहाँ छह बनाने के लिए यहाँ भी दो लगाना पड़ेगा यहाँ छह बनाने के लिए यहाँ छह लगाएंगे बात को समझो यहाँ पे क्या लगाएंगे दो लगाएंगे दो क्यों लगाए छा है और इसको भी छह बनाने के लिए क्या लगाए अब बात समझ में आई एल्युमिनियम में हम कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि एल्युमिनियम अकेला है एल्युमिनियम में हम कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि एल्युमिनियम अकेला है अब बताओ एच हाइड्रोजन कितने हो गए छक्के क्या हो गए छक्के मतलब छक्के मतलब छ हो गए यहाँ पे छ बनाने के लिए क्या लगाएंगे तीन लगाएंगे बताओ हाइड्रोजन और यनो थ्री काम खत्म हो गया एल्मोनियम तुम कुछ भी लगा सकते हैं एल्मोनियम में कुछ भी लगा सकते हैं एल्मोनियम बताओ कि यहाँ पे यहाँ पे कितने हो गए दो।, दो तो यहाँ पे दो करने के लिए दो लगा देंगे बैलेंस हो जाएगा अब कैसा समीकरण संतुलित समीकरण अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया मिटाए मतलब ये हुआ तुम अपने आप से किसी का किसी भी अम्ल से किसी भी धातु से क्रिया करा सकते लेकिन सभी के सभी धातु से क्रिया नहीं करती जो सक्रियता श्रेणी में नीचे है वो अम्ल से क्रिया नहीं करती और ये भी याद रखना जो सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे तो जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं वो अम्ल से क्रिया नहीं करते, ये, तो नहीं करते है। ये खास बात क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील इसलिए हाइड्रोजन को हटा नहीं सकते ये यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी बाकी किसी से भी कराओ क्या समझे अभी हम तुमको क्या पढ़ाएंगे धातु अधातु वाले चर्चन सक्रियता श्रेणी पढ़ाएंगे धातुओं को उनके क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन आएगा वहां पे क्या आएगा हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन के जो नीचे आएंगे वो हाइड्रोजन को हटा नहीं सकते क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं तो हाइड्रोजन के नीचे जो धातु होती है उनसे क्रिया कभी नहीं कराओगे हाइड्रोजन के नीचे एक धातु आती है सीयू सी कभी भी अम्ल आप किसी अम्ल से हाइड्रोजन को हटा नहीं सकता तो सीयू से तुमको क्रिया नहीं करानी ये बात याद रखना समझे हाँ एजी से भी क्रिया नहीं करानी एच जी से भी क्रिया नहीं करानी एयू से भी क्रिया नहीं करानी अब पी डी से भी क्रिया नहीं पीबी पी डी पीटी भी आता है ठीक और कौन सा पीबी लेड से भी क्रिया नहीं इनसे क्रिया तुमको अम्ल से नहीं करानी ये ये तुम ये हाइड्रोजन हटा नहीं सकती ये अम्ल से क्रिया ही नहीं करेंगी ठीक अगर हम लिख दें सी यू प्लस एच सी एल तो इसको ये ना कहना हाइड्रोजन निकल जाएगी सी यू सीयू सी एल सी 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 टू बना लेगा ये गलत है ये ऐसा नहीं होगा इसमें उतनी दम नहीं कि ये हाइड्रोजन को हटा सके ये उससे कम क्रियाशील है बस इतना ध्यान रखना बाकी किसी से भी करो तो तुमको ज्यादातर क्रियाशील जो क्रियाशील धातु है ना उन्हीं से ले जैसे पोटेशियम मैग्नीशियम एल्मोनियम लिथियम इनसे क्रिया करो क्या दिक्कत ठीक अगला अगला एक बताओ मान लो चौथा है ना तीन बताए ना चौथा छाड़ से क्रिया करके क्या बनाए लवण तथा जल बनाते हैं लवन तथा जल बनाते उदासी करण कहलाते उदासीनी करण कहलाते डाल के भी लिख सकते हैं उदासी क्या होती है क्रिया करता क्या बनाता लवण तथा जल बनाता है लवण तथा जल बनाता तो देखो हमने ले लिए जैसे हम कोई क्या ले लिए और छार जैसे एन एच ले लिए क्या बनाएगा यहाँ प्लस वाला किसको पकड़ता है माइनस वाला है। अब बताओ इसमें प्लस, तो प्लस वाला है इधर माइनस वाला है तो क्या बनाएंगे बताओ यहाँ सोडियम प्लस वाला है यहाँ सी एल माइनस वाला तो क्या बनाएंगे एन एल मिलकर सीएल बनाएंगे ठीक ठीक अब बताओ किसी पर संख्या लगेगी नहीं, नहीं। लगे क्योंकि दोनों का एक एक है सोडियम भी एक क्लोरीन भी एक बेटा सब रटा है तो सब अच्छे से तुम भी कर ले जाओगे अब तुमका संयोजकता नहीं रहती है तो इसलिए हम शुरू में दो क्लास लिए तुम्हारी गलती है हमारी गलती नहीं अभी भी नया कहीं से हो जाता है तो कुआ में बार डुबकी लगाए यार अब अगला करो कौन करो अगला करो अब बताओ किसका करा सकते हैं हम किसी और कोई और कोई ले सकते हैं कोई और बताओ एम जी ओयद का होल्ड ले सकते मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कोई छाल ले और कोई अब हम लोग ले सकते हैं हम लोग चाहे एच टू यस ओ फोर है ले लें एच टू यस ओ फोर अब बताओ इस इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले को पकड़ेगा तो क्या बनाएगा पानी बनाएगा क्या बनाएगा पानी बनाएगा बताओ इसका प्लस वाला इसके माइनस वाले पकड़े यह पकड़े को पकड़ेगा ये एम जी किसको पकड़ेगा ये सो फोर को पकड़ेगा तो बताओ एम जी येसो फोर बनाएगा एम जी यस ओ फोर बनाएगा किसी पर संख्या आएगी इसमें नहीं आएगी क्योंकि एम जी पर भी दो और यसो फोर पर भी दो अब बताओ ये संतुलित समीकरण के ढांचा समीकरण अच्छा संतुलित करने के लिए आवश्यक संख्याओं से गुड़ा कर बताओ ये स्टू कितने हैं दो यू यहाँ पे कितने हैं दो नहीं है क्योंकि यहाँ भी एस टू दो है यहाँ भी एस टू दो है तो यू कितने हो गए चार हो गए तो यहाँ पे चार करने के लिए क्या लगाएंगे दो बताओ मैग्नीशियम अकेला मैग्नीशियम अकेला मैग्नीशियम बराबर है बताओ यशो फोर के देखो यशो फोर अकेला यसो फोर अकेला अब ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन यहाँ पे दो यहाँ पे दो बताओ ये संतुलित समीकरण है कि नहीं है ना चलो तो इसी तरह अम्ल छाड़ के तुम क्रिया करा के लवण तथा जल, जल बना सकते हो ये जो बंद है ये लवण है ये जो बंद है लवण है जो जल में घोलने पर एच प्लस मतलब प्लस माइनस आयन देते हैं धनयन देते हैं वो सभी क्या होते हैं लवण होते हैं बात समझ में मतलब लवण क्या होते हैं जो एच प्लस ओ एच माइनस के अतिरिक्त कोई अन्य आयन देते हैं जो एच प्लस तथा ओ एच माइनस के अतिरिक्त कोई अन आयन देते बताओ में सीएल तो क्या बनेगा बनेगा। बताओ है? नहीं, नहीं। तो माइनस ना, तो ना दे तो क्या होगा लवण होगा उनके अतिरिक्त कोई आयन देगा वो नहीं देगा ये वाले नहीं देगा इनके सिवा कोई और आयन देगा बताओ दूसरे आयन दे रहा कि नहीं दे रहा तो क्या है लवण है ठीक बताओ वाली बात समझ गए और लिखा है कितने गुड़ लिखा है बस बस इतने लिखे तो ले इतने है हाँ ही है काम के और काम के नहीं है ठीक अब किसके टाइम बताओ टाइम है पता नहीं बत्तीस मिनट की वीडियो बन चुका है बस करिए ना आज चलो कल छाड़ के पढ़ेंगे ठीक चलो थेक। बस कट कर